इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, केमिकल शेयर जबरदस्त कंपनी है और कहने के बहुत ही सस्ते में मिल रहा है और 100% ये स्टॉक यदि आपने लंबे समय के लिए होल्ड किया तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बना के दे सकती है। कुछ कमेंट थे उसमें, देखिए शुभम जी का था, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड आपकी हर वीडियो बहुत अच्छी होती है सर, और मेरे पोर्टफोलियो में गोकुल एग्रो, CDSL, यसो इंडस्ट्री और फाइनोटेक्स केमिकल कंपनी के शेयर हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें 10 शेयर की पोर्टफोलियो बनाई थी, जिसमें मैंने पूछा था कि आपकी पोर्टफोलियो में कौन से शेयर हैं, तो शुभम जी बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी में सारे शेयर हैं, तो डेफिनेटली आप होल्ड करिएगा लंबे समय के लिए, बड़ा पैसा बना के आपको ये कंपनियां दे सकती हैं। और साथ में श्याम सुंदर सर का भी कमेंट था, गुड एनालिसिस, थैंक यू सर, कमेंट करते रहिएगा शुभम जी, ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। अवनीश सर का हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर अवनीश सर, और आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर, कमेंट करते रहिएगा सर, प्यार बना के रखिएगा। सतपाल सर का था, सर वीडियो बढ़िया लगती है, थैंक्स, थैंक यू सतपाल सर, वीडियो देखने के लिए भी और कमेंट करने के लिए भी। सतपाल सिंह का हैप्पी न्यू ईयर सर, सर आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष मंगलमय हो आपको और आपके पूरे परिवार को। जैकी सर का भी था, सर हैप्पी न्यू ईयर सर, थैंक यू सर जैकी सर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और आपके पूरे परिवार को भी। CDSL ओनली स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो एंड थैंक्स फॉर मेकिंग वीडियो, बहुत अच्छी कंपनी है CDSL सर, और जैकी सर इसको लंबे समय के लिए होल्ड करिएगा, बड़ा पैसा बना के कंपनी दे सकती है। कुछ कमेंट और था उसमें देखेंगे आपको, वी हिमागिरी जी का था हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और एक और कमेंट था Raj007 सर, मेरे कुछ रिलायंस इंडस्ट्री के फिजिकल शेयर हैं, वो कैसे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करूंगी, प्लीज़ हेल्प। देखिए पहले तो आपको मैं बता दूं, आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा, जहां पे भी आप डीमेट अकाउंट खोलिए कोशिश करिए कि फिजिकली खोलिए, जहां पे कोई बंदा आपको सर्विस दे सके, किसी फ्रेंचाइजी पे जाके खोलिए, अच्छी कंपनी जैसे एंजल वन का आदि किसी ने फ्रेंचाइजी ले रखी है आपकी सिटी में तो वहां जाके खोलिए, और उनको अपना जो रिलायंस के जो पेयर हैं, रिलायंस के जो शेयर हैं सॉरी, उसका आप ले जाके डॉक्यूमेंट दिखाइए और बोलिए कि ये डीमेट अकाउंट मैं आपके लिए इसलिए खुलवा रही हूँ ताकि मैं ये शेयर अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकूँ, तो उनसे बात कर लीजिएगा। फिर वहाँ जाके जैसे एंजल वन हो चाहे शेयर खान हो, जहाँ फ्रेंचाइजी आपकी सिटी में हो, जो बंदा मिलता हो, ऑनलाइन मत खोलिएगा, तो आपकी पूरी हेल्प करेगा। अगला जो कमेंट है, एक कमेंट और भी है कि सर जी हैथवे केबल मार्केट कैप 3124 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है और 3815 करोड़ का रिजर्व है और कर्ज मुक्त कंपनी होने के बावजूद क्यों स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए इस कमेंट को मैं क्यों रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिएगा कि कंपनी, दीपक सर के कहने के मतलब कंपनी का मार्केट कैप बहुत अच्छा है, कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा है, फिर भी स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है। देखिए यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने 27 पे लिया, फिर 55 पे लिया, फिर 150 ले रखा है, मतलब 27 रुपये पे लिया, फिर 55 रुपये पे लिया, फिर कहने का मतलब कि 150 क्वांटिटी ले रखा है। मैंने इसलिए शेयर खरीदा था कि रिलायंस इंडस्ट्री का नाम साथ में है, क्या करें, एवरेज करूं या बेच दूं। दीपक सर पूरा आपने जिस तरीके से पूछा है मैं आपको एडवाइस देने की कोशिश करूंगा, और आपको एडवाइस लगे तो जरूर कमेंट करके थैंक यू बोलिएगा, या चाहे आपको जैसा लगा हो उसके लिए भी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए हैथवे केबल एंड डाटा कॉम, देखिए पहली चीज तो कभी भी अदानी अंबानी या किसी बड़े उद्योगपति का नाम किसी शेयर से जुड़ता है तो देखिए उस समय एक न्यूज पे स्टॉक भागता है, और जब स्टॉक भागता है ना तो हम रिटेल निवेशक भागते हुए ट्रेन को जल्दी पकड़ लेते हैं और उसी में हम ट्रैप हो जाते हैं, फिर स्टॉक उस न्यूज की वजह से कुछ दिन तो भागता है फिर गिर जाता है। यहाँ पे ये कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिखा रही है, रिजल्ट सब कुछ अच्छे, लेकिन देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती है, न्यूज बेस पे उसमें क्या होता है कि सिर्फ ट्रेडिंग बेस होती है, मतलब क्या कि आपने कुछ टाइम के लिए ट्रेड कर लिया और उस न्यूज के बेस पे फिर वहां से आप निकल गए, तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये कंपनी नहीं है। उसका रीजन आप देख लें, देखिए मार्केट कैप इसका 3115 करोड़ का है, BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है, 17.60 रुपये पे है, 24 इसका हाई था, फिलहाल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.39 का है और फेस वैल्यू 2 है। कंपनी के साथ में एक चीज देखिएगा, ये लॉन्ग टर्म से कहां से आपको नजर आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये कंपनी ना सिर्फ ट्रेडिंग बेस के लिए है, मतलब आज आपने न्यूज के बेस पे आपने नीचे से खरीदा ऊपर बेच दिया फिर निकल गए आप, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म के नजरिए से, मैंने मैक्सिमम का चार्ट लगा रखा है, देखिए कभी भी स्टॉक जो होता है ना लॉन्ग टर्म के नजरिए वाला जो स्टॉक होता है लेफ्ट से सीधे राइट की तरफ जाता है, जैसे आपको एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये चार्ट आप देख लो, आप देखो ना ये चार्ट आपका सीधे लेफ्ट से राइट की तरफ आपका गया है, अब स्टॉक गिरावट में मिल रहा है। 13 अप्रैल 2007 में स्टॉक 5 रुपए का हुआ करता था, आप सोचो 1000 से ऊपर गया था और अभी 600 के आसपास मिला। इसी कंपनी की मैं बात करूं आपसे, ये केमिकल कंपनी है, जबरदस्त कंपनी, अभी गिरी हुई मिल रही है, तो मेरे ख्याल से
आपको दीपक सर मैंने दे दिया। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि आप हैथवे केबल में इसको लॉस में बिल्कुल मत बेचिएगा, आप होल्ड करिएगा। मेरा मानना है कि जब भी आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे, वहां से अपना प्रिंसिपल अमाउंट जरूर निकालने की कोशिश करिएगा, लॉस में बेचिएगा नहीं। कंपनी ठीक ठाक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगली जो कंपनी जिसके बारे में मैं बात करूँ, केमिकल शेयर, जिसका चार्ट पैटर्न आपने पहले ही देख लिया, जबरदस्त कंपनी, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आपने इसमें सिर्फ 50,000 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया ना आने वाले 10 साल के लिए, तो 50,000 1 लाख रुपए आपका कब 10 लाख, 15 लाख, कब 20 लाख हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। बस आप होल्ड करने की क्षमता रखो। रीजन क्या है कि एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इसके बड़े बड़े क्लाइंट है, कई सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है। अब इसका देखेंगे तो मार्च 2021 में 4,506 करोड़ का, फिर 7,000 करोड़ का, अभी 7,500 करोड़ का इसका सेल्स जा रहा है। प्रॉफिट की बात किया जाए तो 977 करोड़ से बढ़ के 982, फिर 1929, अभी 2,000 करोड़ से ऊपर का चला जाएगा। नेट प्रॉफिट 547, 535, 1307, लगातार इनके सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, इनके नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, ईपीएस में भी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं, 15.02, फिर 36, फिर अभी लगातार, तो कंपनी अच्छा कर रही है। साथ में कंपनी के पास में रिजर्व भी कहीं ना कहीं 4,507 करोड़ का है, लेकिन बोरोइंग भी है छोटा सा कंपनी के पास में 2,767 करोड़ का, कोई ज़्यादा खास बोरोइंग नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ देखिए मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, तो थोड़ा बहुत बोरिंग चलेगा तभी कंपनी आगे बढ़ती रहती है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छा कर सकती है, फ्यूचर में बड़ा करेगी। देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास में 44% की होल्डिंग है, लेकिन FIs ने 12% का माल ले रखा है, साथ में DIs ने 15% का माल ले रखा है, FIs DIs ने पूरा स्टॉक को पकड़ रखा है। साथ में आप देख सकते हैं पब्लिक के पास में 28% की होल्डिंग है, कंपनी जबरदस्त है। और इसका देखेंगे यदि आप, तो मार्केट कैप 22,374 करोड़ का है, एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी, BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है। इसका हाई 1,016 का था, अभी लो 587 के आसपास, अभी लो के आसपास ही स्टॉक चला 617 रुपये पे। इस स्टॉक को हर गिरावट पे उठाते रहिए, और फ्यूचर में यदि आप लॉन्ग टर्म का नजरिए बना के रखिएगा तो 100% ये स्टॉक बड़ा पैसा बना के दे सकता है। स्टॉक P18 का है, बुक वैल्यू 129 का है, 129 का है, डिविडेंड भी कंपनी देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखिए 22 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8 का है, फेस वैल्यू कंपनी का 5 है, कंपनी का नाम आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये कई सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है। आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्री ऐसा कोई नाम नहीं है कि जो आप पहली बार सुन रहे हैं, आरती इंडस्ट्री इज ए लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड ग्लोबल फुटप्रिंट केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग बाई आरती आर यूज द डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स एग्रोकेमिकल्स पॉलीमर्स एडवर्टीज सर्फ पिगमेंट्स बहुत सारी चीज़ों के लिए केमिकल बनाती है। कंपनी जबरदस्त है, इस गिरावट का फायदा लीजिएगा, बस आप लेके होल्ड करिएगा, ऐसा नहीं कि लमसम पूरा पैसा डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के आप खरीदते रहिए। अपना जैसे टारगेट है कि आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 10,000 का खरीद लीजिए, फिर गिरावट में मिले फिर 10,000 का खरीदिए, ऐसे 10 टुकड़ों में इसको 10 बार में खरीद के 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप भूल जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कहीं ना कहीं यदि ऐसे इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।